दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाई मनी बैंक अकाउंट ओपनिंग के बारे में कि कैसे आप लोग जो है यहां पर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ में आपको जो है यहां पर एक डेबिट कार्ड भी मिलता है और आप इसे वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो भी आप एक बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने फाई मनी को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। इसका लिंक मैंने आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप सिंपली ओपन करेंगे वहां से। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ओपन करते हैं यहां पर आपको देखने को मिलता है कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। साइड में आपको जो ये अकाउंट है वो फेडरल बैंक के थ्रू खुलता है, तो आपने सिंपली जो है अकाउंट खोलने के लिए साइनअप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइनअप पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देना है जिस भी मोबाइल नंबर के साथ आप इस अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं। तो देन सिंपली आप जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से परमिशन अलाउ करें। अब इस पर एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा और आपको देखिए यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरफेस भी देखने को मिलेगा। अब आपने सिंपली जो है ओके गो इट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो है अपना एक जीमेल आईडी देनी होगी वेरिफिकेशन के लिए और साथ में आपने अपना लीगल नेम जो कि पैन कार्ड पर है वो यहाँ से आपने एंटर करना होगा। उसके बाद आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर देखिए एक जो है कोड देना होगा, तो आप हमारा कोड भी डाल सकते हैं। साथ में आप कंटिन्यू विदाउट ए फाइनाइट कोड पे भी क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे अब आपको इस तरह का चीज़ें दिखेंगी और आपको नीचे जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको देखिए ये इस तरह की चीज़ें दिखती हैं जहाँ पर आपने अपनी जो है डिटेल्स देनी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड, एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस है तो रिटायर्ड, अदर। तो मैं अभी सैलरीड पर करके आगे कर रहा हूँ और मेरी यहाँ पर जो कंपनी होगी वो है प्राइड स्टील्स और मेरा जो मतलब कि इनकम है एनुअल वो 5 से 10 लाख रुपये है। आप यहाँ से अपनी सेलेक्ट करेंगे देन आप यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है और कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहां पर वेरीफाई कर रहा है हमारी डिटेल्स को और अब हमने अपना जो है पैन कार्ड और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब यहां से हमने अपने डैड का और अपनी मोम का जो है यहां पर नाम देना है और हम नॉमिनी भी चाहें तो नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। देन यहां से आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपने आधार ई केवाईसी करनी है, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपने यहाँ से अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी जो है वो डालनी होती है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपकी जो है प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगी और आपका जो ओटीपी है आधार कार्ड पर जो आता है वो यहाँ पर आपने डालना है। देन आप जो है सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है वो फाइनल चेक हो रहा है आपका जो आधार ई केवाईसी के लिए। तो यहाँ से देखिए ये हो गया है और अब ये जो है हमसे वीडियो ई केवाईसी करवाना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये जो घेरा है इसके अंदर आपने फेस रखना है देखिए कुछ इस तरह से और आपको यहाँ पर कुछ कोड दिखाएंगे वो कोड जो है आपने मुंह से बोलने हैं और ये बोलकर आपने जो है वेरिफिकेशन को एंड कर देना है। जैसे आप एंड पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह से कुछ आ जाएगा आपका और आपने जो है आपको ये जो है डेबिट कार्ड भी दे रहे हैं, तो उस डेबिट कार्ड पर आप क्या नाम चाहते हैं वो नाम जो है यहाँ पर एंटर कर देंगे और आपका जो एड्रेस वगैरह है वो भी आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो जो भी आप नाम चाह रहे हैं उस नाम को यहाँ पर डालें और आप अपना एड्रेस भी कंफर्म करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूज़ दिस एड्रेस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो आधार होगा ये जो है ऑर्डर हो जाएगा और आप स्वाइप टू ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने जो भी नंबर दिया था उससे अब एक मैसेज भेजा जाएगा फाई मनी को, तो आपके पास SMS पैक होना चाहिए। देन आपके जो है अकाउंट देखिए इस तरह से मतलब कि जो फाइनल लाइन पर चुका है, यहां से 102 मिनट लग सकते हैं और हमारे पास देखिए हो गया कि UPI रजिस्ट्रेशन हो गया है। देन यहां पर हमारा जो वीजा कार्ड है वो भी यहां पर देखिए हम लोगों को मिल चुका है, यहां पर आ गया है और साथ में देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा अकाउंट नंबर भी हम लोगों को दिख चुका है और जो हमारा यहां पर डेबिट कार्ड है वो डेबिट कार्ड भी हम लोगों को देखिए देखने को मिल गया है। ये हमारा डेबिट कार्ड है और इसको हम चाहें तो एक्टिवेट भी कर सकते हैं पिन वगैरह, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम जो भी अपना डेबिट कार्ड के लिए पिन चाहते हैं वो पिन पर यहाँ पर पिन बना लेंगे, जो भी आपको पिन याद होता है वो बना लें। देन आप लोगों ने सिंपली जो है इसी तरह से रिटाइप करना है इस ATM पिन को, तो आप यहाँ से उसको रिटाइप कर लें वही ATM पिन। देन आपने जो है सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जिसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हमारे ATM कार्ड के लिए जो है वो पिन जनरेट हो चुका है और अब हमें ये जो है फंड ऐड करने को बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर फंड ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जीरो अकाउंट खोलना आपको बताया है। तो आप सिंपली चाहें तो ऐड कर सकते हैं फंड, लेकिन हम लोगों ने नीचे यहाँ पर
आई विल डू लेटर पर क्लिक करेंगे, मतलब कि मैं बाद में कर सकता हूँ। और हमारा देखिए यहाँ पर जो है जीरो बैलेंस अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, साथ में हमारा जो अकाउंट नंबर है वो भी दिख गया है, साथ में हमारा ये देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड भी मिल चुका है। और अब इसी तरह की कुछ फीचर यहाँ पर देता है ये, जैसे कि फ़ोनपे गूगल पे वगैरह में होते हैं, तो यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और पे वाले सेक्शन में जा करके आपको सारे फीचर मिल जाते हैं कि आप स्कैन करके भी कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं किसी भी उसमें, और फ़ोनपे फ़ोन नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, और यूपीआई आईडी के थ्रू भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, चाहे वो फोन पे पर हो, गूगल पे पर, किसी पर भी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।